Hello my dear students, welcome back to Roshan's class again. Today we will learn about verb. Today's my topic is verb. Verb means kriya. Dear kids, first of all we will try to understand about verb. What is verb? Verb kya hai? A verb is a word which denotes an action, position, relation or state of being. It means verb वो शब्द है जिसे किसी कार्य का होना, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहेंगे यानी क्रिया कहेंगे. अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स एटलीस्ट वन वर्ब. बेटा देखो, कोई भी एक सेंटेंस ले लो, उस सेंटेंस में हमारा एक वर्ब मस्ट होता है यानी जरूरी होता है. या तो एक वर्ब हो या तो एक से अधिक यानी दो वर्ब हो. लेकिन आप कैसे पता करोगे कि वो कौन सा वर्ब है, उस वर्ब को हम कैसे, वर्ब को हम एक्शन कहेंगे, पोजीशन कहेंगे, रिलेशन कहेंगे और या स्टेट ऑफ बीइंग कहेंगे. तो चलिए इसको हम वन बाय वन करके समझते हैं. वर्ड्स डिस्क्राइबिंग एक्शन, इट मींस क्रियाओं का वर्णन करना. देयर आर टू एग्जांपल्स. नंबर वन, द बेबी स्लीप्स साउंडली. बच्चा गहरी नींद में सोता है. अब यहाँ पे देखो कि बच्चे के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, यानी सोने का कार्य किया जा रहा है. तो स्लीप्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा. नंबर टू, चिल्ड्रेन प्ले. बच्चे के द्वारा क्या किया जा रहा है, खेला जा रहा है. तो खेलना हमारा क्या होगा, एक्शन वर्ड होगा. तो ये प्ले हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया. द वर्ड स्लीप एंड प्ले डिस्क्राइब एक्शन एंड आर वर्ब. देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ड्स को देकर समझाया है. नंबर वन देखिए, डांस. डांस मीन्स नाचना, सिंग गाना, थिंक सोचना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, मिस याद करना, फील महसूस करना. देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्शन वर्ड है. ठीक है, इसको हम लोग एक्शन वर्ड कहेंगे. एक कंसेप्ट आप याद रखोगे कि कोई भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर का पार्ट उसका मदद करे. जैसे कि उस कार्य को करने के लिए हमारे हाथ पैर की जरूरत हो या हमारे शरीर का कोई भी पार्ट उस कार्य का सहायता करे. जैसे कि देखिए डांस. डांस मीन्स क्या होता है, नाचना. तो नाचने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, हाथ पैर की जरूरत पड़ती है ना. तो यानी ये क्या है, हमारा शरीर का पार्ट है. सिंग. अब यहाँ पे देखिए गाना. गाने के लिए हमें हाथ पैर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे शरीर का कोई तो ऐसा पार्ट है जो सिंग करने में, गाने में हमारा वो मदद कर रहा है. यानी कि क्या मदद करता है, माउथ ना, माउथ के द्वारा हम लोग गाते हैं. थिंक. थिंक मीन्स सोचना. देखिए यहाँ पे सोचने के लिए भी हमें हाथ पैर की जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या चीज़ की जरूरत पड़ रहा है, दिमाग का. यानी कि वो भी क्या है, वो भी हमारे शरीर का एक पार्ट है. तो ये याद रखो कि कोई भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर का कोई भी पार्ट उसका मदद करे, वो चीज़ हमारा क्या होगा, एक्शन वर्ड होगा. वर्ब्स शोइंग पोजिशन. सम वर्ब्स आर यूज्ड टू शो पोजिशन. इट मीन्स अधिकार को दिखाने के लिए कुछ क्रियाओं का उपयोग किया जाता है. देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने टू एग्जांपल्स दिया है. आई हैव टू पेट डॉग. जैसे कि देखिए यहाँ पर समझ हो गया, जैसे आप उससे कोई क्वेश्चन करता है कि डू यू हैव अम्ब्रेला, क्या आपके पास छाता है. तो आप क्या बोलते हो कि यस आई हैव अम्ब्रेला, हाँ मेरे पास छाता है. अगर नहीं रहता है तो आप क्या बोलते हो कि नो आई हैव नॉट. तो जैसे कि यहाँ पे जो भी होगा ना, तो उससे आपका क्या बताएगा, आपका अधिकार बताएगा. जैसे बोलते हैं ना कि हाँ मेरे पास बुक है, कॉपी है, या रोहन के पास बहुत अच्छा मकान है. तो यानी कि ये चीज़ हमारा क्या चीज़ में आ जाएगा, पोजीशन में आ जाएगा. तो वैसे ही यहाँ पे मैंने दिया है कि आई हैव टू पेट डॉग्स, मेरे पास दो पालतू कुत्ते हैं. तो ये हैव हमारा क्या हो गया, पोजीशन हो गया. मोनू हैज़ अ कार, मोनू के पास एक कार है. तो किसके पास कार है, तो मोनू के पास है. तो हैज हमारा क्या हो गया, पोजिशन हो गया. यानी कि ये हैज़ हैव, ये सारे हमारे क्या चीज़ में आते हैं, पोजिशन में आते हैं. द वर्ड्स हैव एंड हैज टेल अस व्हाट पीपल ऑन, दे आर वर्ब्स टू. नेक्स्ट, वर्ब्स डिनोटिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग. इट मीन्स क्रिया होने की स्थिति को दर्शाती है. देखो बेटा यहाँ पे अब आप एक्शन वर्ड ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा. इससे पहले हम लोगों ने एक्शन पढ़ा, एक्शन हमें किसे कहते हैं. फिर उसके बाद सेकेंड नंबर हम लोगों ने पोजीशन पढ़ा, जो हमारा अधिकार बताता है. अब तीसरा हमारा क्या आ रहा है, स्टेट आ रहा है. यानी कि ये हमको स्थिति के बारे में हमको दर्शाता है. यानी कि
कोई भी कार्य को हम लोग करते हैं ना, तो वो कार्य किस अवस्था में हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है कि पास्ट टाइम में हो रहा है कि फ्यूचर टाइम में हो रहा है, यानी कि जो कार्य हो रहा है अभी हो रहा है कि वो कल का बीत चुका है कि आने वाला वो कार्य है, तो इसमें ये चीज़ आपका स्टेट ऑफ बींग में ही आपको बताता है। देयर आर टू एग्जाम्पल्स। नंबर वन, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। देखिए तो ये क्या है, मैं बोल रही हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में मैं एक शिक्षक हूँ, तो एम हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ बींग होगा। नंबर टू, अदिति इज माई सिस्टर, अदिति मेरी बहन है, यानी कि अभी आज की डेट में अदिति जो है वो मेरी बहन है, तो इज हमारा क्या हो गया, स्टेट ऑफ बींग। द वर्ड्स एम एंड इज टेल अस अबाउट अ स्टेट ऑफ बींग, they are verbs although they don't describe action. Kinds of the verb, there are two kinds. Number one, main verb, the verbs used alone or together with helping verbs are called main verb. It means jo kriya kisi वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वो मेन वर्ब कहलाती है। देखो अभी यहाँ पे समझोगे कि मेन वर्ब हम किसे कहते हैं। देखो बेटा कोई भी सेंटेंस अगर आप लोगे ना, हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर भी वर्ड होते हैं, लेकिन जो मेन वर्ब होता है ना, या तो उस सेंटेंस में सिंगल आता है या तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो देखो कैसे समझोगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक क्या हूँ, छात्र हूँ। तो यहाँ पे वर्ब ढूंढोगे तो वो वर्ब हमारा मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यानी कि एम को हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पे हमारा क्या चीज़ का काम करेगा, मेन वर्ब का करेगा। नंबर टू, आई एम रीडिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो रीडिंग यानी कि ये क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया, यानी कि कौन सा कार्य हो रहा है ये चीज़ हमारा क्या चीज़ बताता है, मेन वर्ब में बताता है। नंबर टू देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे, अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब फॉर्म और टेंस, वॉइस, मूड एक्सेट्रा। इट मीन्स जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दो दिया है कि आई एम अ रीडिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यानी कि ये मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब का हमेशा मदद करता है, यानी कि मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, रीडिंग। ठीक, अब इसका हेल्प क्या किया हमारा, एम, तो ये एम हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। नंबर टू है कि ही विल गो, वह जाएगा, तो देखिए गो हमारा क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब है, लेकिन उसका मदद कौन कर रहा है, विल, यानी कि विल हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पे जितने भी हैं ना, देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिया है, डांस, सिंग, थिंक, रीड, राइट, प्ले, मिस, फील, ये सारे हमारे क्या हैं, वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब, जिसको हम लोग एक्शन पढ़ा गया था ना, वही चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको मेन वर्ब कहते हैं। इसका भी एक कंसेप्ट याद रखना, जैसे कि किसी कार्य को कर रहे हो ना, अगर लास्ट में ना आता है, जैसे कि नाचना ना आया, गाना ना आया, सोचना ना आया, पढ़ना ना आया, लिखना ना आया, खेलना लास्ट में ना आया, याद करना लास्ट में ना आया, महसूस करना लास्ट में ना आया, तो ऐसे वर्ड को भी हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ये एक छोटा सा आपका कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में भी आपका थ्री टाइप होते हैं। एक होता है कि प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो चल रहे हैं, वर्तमान की सहायक क्रियाएं, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सारा हमारा क्या है, प्रेजेंट टाइम में आते हैं। ये आपका पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो बीत गया है उसके लिए ये हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद आ रहा है कि फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, भविष्य की सहायक, भविष्य काल की सहायक क्रियाएं, यानी कि जो आने वाले हैं ना, तो उसके लिए ये हम लोग हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम सबके साथ एक जैसा नहीं लगाते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में हम लोग इज आर एम यूज कर रहे हैं, तो हम लोग पास्ट में उसका हम लोग वाज वर्ब यूज करेंगे, और उसके फ्यूचर में वही विल और शैल का यूज होगा। तो इसको आप समझिएगा। द मेन वर्ब्स इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव
वर्ब। देखिए मेन वर्ब को भी हम लोग दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है ट्रांजिटिव, जिसको हम लोग हिंदी में सकर्मक कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं अकर्मक। अब इसको आप समझिएगा। नंबर वन ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे कि देखो नंबर वन दिया है अनन्या ईट्स राइस, अनन्या चावल खाती है। तो इसमें हमने सबसे पहले बताया था ना कि कोई भी सेंटेंस लोगे तो हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होता है। तो इसमें हमारे ट्रांजिटिव जो होते हैं ना तो उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वही चीज़ हमारा ट्रांजिटिव होता है। यानी कि इसमें हमको जो सेंस बताता है ना वो पूरा कंप्लीट सेंस बताता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे अनन्या ईट्स राइस, अनन्या क्या खाती है चावल खाती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अनन्या क्या खाती है, चावल खाती है कि मैंगो खाती है कि जो भी हो बिस्किट हो चॉकलेट हो, तो यहाँ पे आपको बताएगा वो चीज़। तो वो चीज़ हमारा ट्रांजिटिव होता है। नंबर टू अंश हैज़ रीड द बुक। अब देखो अंश ने बुक पढ़ चुका है, यानी कि अंश किताब पढ़ चुका है। तो यानी कि कौन पढ़ा, अंश पढ़ा है। अंश ने क्या पढ़ चुका है यानी कि किताब पढ़ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा है यानी कि बुक, ये नहीं बता रहा है कि वो स्टोरी पढ़ चुका है या कुछ और लेटर पढ़ चुका है। तो यहाँ पे जो भी आपको यानी कि पूरा फुल सेंस देगा वो चीज़ हमारा क्या होता है ट्रांजिटिव होता है। नेक्स्ट इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं अकर्मक कहते हैं ना। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव। इट मीन्स जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे इंट्रांजिटिव कहेंगे। जैसे कि हम लोग ट्रांजिटिव हम लोग पढ़ा था ना कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। देखो इसमें क्या होता है इंट्रांजिटिव में हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हो नंबर वन दिया है कि समीन ईट्स। अब देखो समीन क्या खाती है, समीन इसमें बस दिया है कि समीन खाती है, क्या खाती है यहाँ पर कुछ नहीं दिया। ये चीज़ हमारा क्या हो गया इंट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बताया कि चॉकलेट खाती है कि नमकीन खाती है कि बिस्किट खाती है कि क्या खाती है, एप्पल खाती है, कुछ नहीं बताया। नंबर टू है कि आराध्य पांडे गोज टू स्कूल। अब देखो आराध्य पांडे जो है वो स्कूल जाता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा गोज हो जाएगा, यानी कि वो जाता है। अब क्यों जाता है, टू स्टडी के लिए जा रहा है कि टू प्ले के लिए जा रहा है, यानी खेलने जा रहा है कि पढ़ने जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि ट्रांजिटिव जो होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद इनट्रांजिटिव में हमारा सिर्फ सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि इसमें जो भी हमको सेंस मिलेगा ना वो हमारा हमेशा इनकम्प्लीट होगा, इसमें हम लोग हमेशा डाउट में रहते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द वीडियो, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।